नमस्कार दोस्तों, वायर आपके सामने एक बहुत बड़ी पड़ताल पेश करने जा रहा है। कल आप जानते हैं कि किस तरह से कुछ लोग अमृतसर में रावण दहन देख रहे थे और विजयदशमी का यह पर्व एक त्रासदी में बदल गया, क्योंकि अमृतसर जलंधर डीएमयू एक्सप्रेस कई लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई। अब तक कई तरह की थ्योरी सामने उभर कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आयोजकों ने रेलवे प्रशासन को इत्तला नहीं किया, या फिर यह भी बात कही जा रही है कि रेलवे प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई आयोजन हो रहा था और लोग ट्रैक्स पर खड़े थे। अब जो फैक्ट मैं आपके सामने लाने वाला हूं वो सिहरन पैदा करने वाला है, वो आपके आंखें खोलकर रख देगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ट्रेन, या ये कहा जाए ट्रेन का ड्राइवर पूरी तरह से अंधा था। और जब मैं अंधा होने की बात कह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको ट्रैक पर क्या हो रहा था वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कल रात दरअसल हुआ क्या था। आप इस फुटेज को ध्यान से देखिएगा और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आपने फुटेज देखा, आपने देखा किस तरह से अमृतसर जालंधर डीएमयू एक्सप्रेस लोगों पर से एक तरह से निकल गई, उन्हें रौंदती हुए निकल गई। मगर क्या आपने एक चीज नोटिस की? ध्यान से एक बार फिर देखिए। इस बार हम वो फुटेज आपको फिर दिखा रहे हैं मगर स्लो मोशन में। शायद आप में से कुछ लोग अब भी नहीं समझ पा रहे होंगे, मगर आइए, जब वो वक्त जब कैमरे के सामने ट्रेन होकर गुजरती है, मैं उसी वक्त को आपके सामने फ्रीज करना चाहूंगा। जैसे कि आप इस फ्रेम में, इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह है अमृतसर जालंधर डीएमयू एक्सप्रेस, और आप देख सकते हैं कि ट्रेन का जो टॉप लाइट है वो नहीं जल रहा है। आप देख सकते हैं इस फ्रीज फ्रेम को, वो टॉप लाइट नहीं जल रहा है। यानी कि ट्रेन में तीन तरह की लाइट्स होते हैं, यानी कि नीचे की दो लाइट्स होती हैं जिसे फ्रंट लाइट्स कहते हैं, और उसी तरह से एक टॉप लाइट होता है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टॉप लाइट नहीं जल रहा है, और जब ट्रेन का टॉप लाइट नहीं जलेगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन का ड्राइवर पटरी में क्या हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। जी हां, क्योंकि बहुत जरूरी है जब आप ट्रेन चला रहे हैं तो इसकी तमाम लाइट्स काम करें, मगर जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं टॉप लाइट पूरी तरह से बंद है। सवाल ये कि ये टॉप लाइट आखिर बंद क्यों है, और कहीं इस टॉप लाइट के बंद होने की वजह से ये एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? मैं जानता हूं कि आपके जहन में एक सवाल होगा। आप ये कह रहे होंगे कि क्या अमृतसर जलंधर एक्सप्रेस में टॉप लाइट होती भी है या नहीं? तो चलिए मैं आपको यह फुटेज दिखाता हूं अमृतसर जलंधर एक्सप्रेस का, यानी कि जब यह दिन में यह एक्सप्रेस चलती है तो यह किस तरह से दिखाई देती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका टॉप लाइट जल रहा है। आइए देखते हैं। तो आपने टॉप लाइट देखा, जल रहा है अमृतसर जलंधर डीएमयू एक्सप्रेस का। अब मैं आपको एक बार फिर वो फ्रीज फ्रेम दिखाना चाहूंगा, तस्वीर का वो अंश दिखाना चाहूंगा जिसमें ये ट्रेन लोगों को रौंदते हुए निकलती है, और वो लम्हा जब वो लोगों के ऊपर से निकल रही है, आप देख सकते हैं कि ट्रेन का टॉप लाइट काम नहीं कर रहा है।
अब यहां पर सवाल नंबर एक कि आखिर ये ट्रेन का जो टॉप लाइट है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। इस आपराधिक उदासीनता या इस अपराध के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी ट्रेन का टॉप लाइट काम नहीं करता है तो अक्सर इस तरह के हादसे रेलवे ट्रैक्स पर होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब एक ट्रेन जो है वो जंगलों के बीच से गुजरती है वो हाथियों को भी टक्कर मार देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब उसकी टॉप लाइट काम नहीं कर रही होती है। और कल ये जो बहुत बड़ा हादसा हुआ इसमें भी आप देख सकते हैं कि ट्रेन की टॉप लाइट काम नहीं कर रही है। तो मेरा सवाल भारतीय रेलवे से कि आप आखिर ऐसी ट्रेन्स अपने ट्रैक्स पे कैसे उतार सकते हैं जिसकी टॉप लाइट काम नहीं कर रही है। मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं एक और फुटेज, इस बार गोरखपुर से निकलने वाली गोंडा एक्सप्रेस। आप इसमें भी देख सकते हैं कि बाकायदा ट्रेन की टॉप लाइट काम कर रही है। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको तस्वीर या ये कहा जाए फुटेज दिखाई गोंडा एक्सप्रेस की और दिन में जालंधर डीएमयू एक्सप्रेस की, और आपने देखा कि दिन में भी दोनों जगह टॉप लाइट जल रही है। तो मेरा सवाल एक बार फिर भारतीय रेलवे से कि जब दिन में टॉप लाइट जल सकती है तो रात को जब ये ट्रेन गुजर रही थी इस ट्रैक से टॉप लाइट ऑफ क्यों था? क्या लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी? क्या ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है? टॉप लाइट स्विच ऑफ क्यों था, खासकर तब जबकि दिन में भी टॉप लाइट जलता है? इन तमाम सवालों के जवाब न सिर्फ भारतीय रेलवे को देना होगा बल्कि उस ड्राइवर को भी या प्रशासन को भी जिसके चलते वो टॉप लाइट स्विच्ड ऑफ था। इसमें दो राय नहीं कि इसमें आयोजकों की भी गलती है कि आखिर उन्होंने रेलवे प्रशासन को इत्तला क्यों नहीं की। इसमें कहीं ना कहीं उस भीड़ की भी जिम्मेदारी है कि वो रेलवे ट्रैक्स पर क्यों खड़े हुए थे। मगर आज वायर आपके सामने एक ऐसा प्रूफ, एक ऐसा प्रमाण दिखा रहा है जिसका जवाब भारतीय रेलवे के पास नहीं है। हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि ट्रेन की टॉप लाइट काम नहीं कर रही है जो कि इस फ्रीज फ्रेम में दिखाई दे रही है, और इस टॉप लाइट के काम करने की वजह से हो सकता है कि ड्राइवर को यह बिल्कुल भी ना दिखाई दे रहा हो कि रेलवे ट्रैक्स पर क्या हो रहा था। क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो फ्रंट लाइट्स होती हैं जो यहां इस फ्रीज फ्रेम में दिखाई देती हैं, अक्सर ये फ्रंट लाइट्स साफ नहीं होती हैं जिसकी वजह से ड्राइवर पूरी तरह से ब्लाइंड होता है, पूरी तरह से अंधा होता है। और अब इस फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टॉप लाइट काम नहीं कर रही थी। क्या इस वजह से यह बहुत बड़ा हादसा हुआ? यह सवाल है हमारा रेल मंत्री पीयूष गोयल से कि क्या आप रेलवे लाइन पर इस तरह की ट्रेनें चलाते हैं जिनकी टॉप लाइट्स काम नहीं करती हैं? यह सवाल हम सबको पूछना है रेल मंत्री से, क्योंकि जितने लोगों की जाने गई हैं उनकी तो जाने चली गई मगर दर्द का पूरा मंजर उनके पूरे परिवार के साथ जुड़ चुका है, उन तमाम परिवारों के साथ जुड़ चुका है जो इस हादसे में मारे गए लोग हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।